हम लिखने जा रहे हैं 1 से 10 तक पहाड़े, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसे 1, 2, 3 लिख लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, हमें 1 से 10 तक गिनती लिख लेनी है कॉलम वाइज। फिर हमने अभी कॉलम वाइज लिखी, अब हम क्या करेंगे, हम रो वाइज गिनती लिखेंगे 1 से 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम टेबल लिखने जा रहे हैं, हम दूसरी बारी पे लिखने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जो 2 है हमने रो वाइज 2, 2 ऐड कर देना है, तो 2 में 2 जोड़ा 4 आया, 4 में 2 जोड़ा 6 आया, 6 में 2 जोड़ा 8 आया, 8 में 2 10 आया, 10 में 2 जोड़ा 12, फिर 2 जोड़ा 14, फिर 2 जोड़ा 16, फिर 2 जोड़ा 18, फिर 2 जोड़ा 20। अब इसके बाद हम तीसरी बारी पे लिखने जा रहे हैं, तो हमने रो वाइज 3, 3 जोड़ देना है सब में, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, 6 में 3 जोड़ा 9 आया, 9 में 3 जोड़ा 12 आया, 12 में 3 जोड़ा 15 आया, 15 में 3 जोड़ा 18 आया, 18 में 3 जोड़ा 21 आया, 21 में 3 जोड़ा 24 आया, 24 में 3 जोड़ा 27 आया, 3 जोड़ा 30। अब हमने चौथी बारी में क्या करना है, रो वाइज इस 4 में फिर 4 ऐड करेंगे हम, 8 हो गया, 8 में 4 ऐड करा हमने, 12 हो गया, 12 में 4 जोड़ा 16 हो गया, फिर 4 जोड़ा 20 हो गया, फिर 4 जोड़ा 24 हो गया, फिर 4 जोड़ा 28 हो गया, फिर 4 जोड़ा 32 हो गया, फिर 4 जोड़ा 36 हो गया, और फिर 4 जोड़ा 40 हो गया। इसके बाद अब पांचवी बारी पे क्या करना है, हमें रो वाइज 5, 5 ऐड करते चले जाना है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ा 25, फिर 5 जोड़ा 30, 30 में 5 जोड़ा 35, फिर 5 जोड़ा 40, 40 में 5 जोड़ा 45, और लास्ट में 50। अब इसके बाद हमने छठी बारी पे क्या करना है, हमने 6 जोड़ना है, 6 में 6 में 6 जोड़ा 12, फिर 6 जोड़ा 18, फिर 6 जोड़ेंगे 24, फिर 6 जोड़ेंगे 30, फिर 6 जोड़ेंगे 36, फिर 6 जोड़ेंगे 42, फिर 6 जोड़ेंगे 48, फिर 6 जोड़ेंगे 54, फिर 6 जोड़ा 60। अब हमने 7 पे क्या करना है, फिर 7 जोड़ना है, 7 में फिर 7 जोड़ा हमने 14, 7वीं बारी पे 21, 21 में फिर 7 जोड़ा 28, फिर 7 जोड़ा 35, फिर 7 जोड़ा 42, फिर 7 जोड़ा 49, फिर 7 जोड़ा 56, फिर 7 जोड़ा 63, और फाइनली 70। अब हमने 8वीं बारी पे क्या करना है, 8 जोड़ते जाना है, 8 में 8 जोड़ा 16, 8 में 16 में फिर 8 जोड़ा 24, फिर 8 जोड़ा 32, फिर 8 जोड़ा 40, फिर 8 जोड़ा 48, फिर 8 जोड़ा 56, फिर 8 जोड़ा 64, फिर 8 जोड़ा 72, फिर 72 में 8 जोड़ा 80। अब इसके बाद हमने 9वीं बारी पे क्या करना है, 9 में 9 जोड़ना है 18, 9 में 9 जोड़े 18, 18 में 9 जोड़े 27, फिर 27 में 9 जोड़े 36, 36 में 9 जोड़े 45, फिर 9 जोड़े 54, फिर 9 जोड़े 63, फिर 9 जोड़े 72, 72 में 9 जोड़े 81, 81 में 9 जोड़े 90। अब हमने 10वीं बारी पे क्या करना है, 10 में 10 जोड़ना है 20, 20 में 10 30, 30 में 10 40, 40 में 10 50, 50 में 10 60, 60 में 10 70, 70 में 10 80, और 80 में 10 90, और 90 में 10 100। फाइनली हमारे पास 1 to 10 तक टेबल पूरे हो गए हैं। अब हम इनको रीड करेंगे। 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5 1 6 जा 6 1 7 जा 7 1 8 जा 8 1 9 जा 9 1 10 जा 10, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60,
10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 2 10 3 10 4 10 5 50 10 6 60 10 7 80 10 1 10 10 2 10 3 10 4